ओके दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल टेकियन के। ओके दोस्तों, मैं हूं शरण और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेकियन YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कंप्यूटर से करके दिखाऊंगा कि अपना जो फेसबुक का जो पेज है वो दूसरे फेसबुक में कैसे एडमिट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हो, साथ में बेल आइकन घंटी उसको प्रेस करके दबा दें। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। ऐसे तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था मेरा दूसरे चैनल पे इससे रिलेटेड, जो कि इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, जो कि टेक्निकल जरूर चैनल का नाम है। उसमें मैं भी इससे रिलेटेड बना, जो कि मोबाइल से करके दिखाते हैं, वो भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से बनाया, वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम बिना समय गए शुरू कर देते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल हम लोग कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे हैं। तो चलिए, मैं अपने फेसबुक अकाउंट से ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आपको जहाँ फेसबुक का पेज है उस पे जाना पड़ेगा। सबसे ये देखिएगा रहता है तो मेरा पेज इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं क्लिक करके। तो देखिएगा, तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको इस तरह का आपको पेज नजर आएगा। देखिएगा, ऐसे तो इस कंप्यूटर का थोड़ा जो इसका फंक्शन है तो थोड़ा अलग टाइप का होता है दोस्तों, और मोबाइल जो यूज करते हैं उसका फंक्शन जो अलग होता है दोस्तों, क्योंकि आप वो ऐप्स यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो आप जो क्रोमो यूज करते हैं, क्रोमो के द्वारा, गूगल के द्वारा आप सब कुछ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ऊपर, देखिए सबसे इधर देखिए ऊपर लास्ट में जो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि आप सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। जैसे कि इस प्रकार इंटरफेस नजर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत सारे फंक्शनलिटीज है और इसमें बहुत सारे आपको सेटिंग देखने को मिला। क्या क्या सेटिंग्स है यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं आपका फेस जो है, यहाँ से बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना, यहाँ देखिए सबसे लेफ्ट साइड में जनरल, पेज इन्फो, मैसेजिंग, टेम्पलेट्स एंड टैब्स, पोस्ट एट्रीब्यूशन, इसी प्रकार बहुत सारे दिया गया, यहाँ देखिएगा। उसके बाद एक चीज दिया गया दोस्तों, पेज रोल्स, पेज रोल्स का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे पेज रोल पे आपने क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आया, यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए assign a new page role, आप न्यू पेज रोल करना या पेज ओनर बनना चाहते हैं, existing page role आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि gift business, यहाँ बहुत सारी चीज, यहाँ आपका एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका जो फेसबुक का नाम है यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, टाइप है ईमेल और एडिटर, आप क्या देना चाहते हैं उसको, किस रूप में देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ऑप्शन पे, देखिए आप किस रूप में देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उसका जीमेल आईडी या उसका नाम दे दीजिएगा, इस पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एडिटर ऑप्शन आया, क्लिक कर दीजिएगा, आपको एडमिन देना चाहते हैं, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालाइजर या तो कस्टम क्या देना चाहते हैं, तो मैं एडमिन देना चाहता हूँ, मालिक बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपको एडमिन का नाम यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, जहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना है, मुझे एडमिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एडमिन कर दिया, उसका ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि आप फेसबुक में लॉगिन किए हैं उस पासवर्ड को देना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर चुका, आप इसमें सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये सबमिट हो चुका है दोस्तों, आप देखिए नीचे देखिए पेंडिंग के ऑप्शन आ रहा है, इसमें देखिए पेंडिंग ऑप्शन नजर आ रहा है, सुनिए देखिए इसमें नीचे एडमिन जो पेंडिंग नजर आ रहा है, आप हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हमें जो मैंने जहां पे भेज दिया उसी फेसबुक अकाउंट को हमें यहां खोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, यहां से जैसे मैं लॉग आउट कर देता हूं, तो चलिए मैं लॉग आउट करते, मुझे यहां पे जाना है, सुबिना पे जाना है, यहां पे लॉग आउट लॉग इन कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी लॉग इन हो चुका हूं वहां पे, ठीक है। तो अभी देखिएगा आपको कुछ रिक्वेस्ट आया होगा, आपको नोटिफिकेशन में जाना होगा, ठीक है, वहां से हमें एक्सेप्ट करना होगा, जैसे वहां पे मैंने भेज दिया था, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कि यहां पे एडमिन बनाने के लिए, तो ऑप्शन शो कर रहा होगा ऊपर, देखिएगा नोटिफिकेशन में यहां दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पे क्लिक कर देता हूं। देखिएगा सबसे ऊपर, देखिए यहां सबसे ऊपर नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपको किसी ने उषा रंजन चियांग नाम से आपको इनवाइटेड किया, एडमिन बनाया, सबसे यहाँ देखिए ऊपर सबसे ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो देखिए तो जैसे वहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ देखिए यहाँ एक्सेप्ट के बटन भी आ रहा है, एक्सेप्ट के आपको क्लिक कर देना, यहाँ एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक कर देते हैं, देखिए एक्सेप्टेड इनवाइटेड, आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसका मतलब आप इसका मालिक हो गए, जो उसने उषा रंजन चियांग नाम से जो फेसबुक पेज था, फेसबुक में जो ये पेज था वो यूज करता था, आप वो भी यूज कर सकता है, आप मैं भी यूज कर सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं, आप ये भी मालिक हो चुके हैं, ठीक है ना, आसानी से। आप एक बार चेक करके दिखते हैं, दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ देखिए आप नीचे देखिए, यहाँ देखिए आप आ चुका है, ठीक है ना, देखिए ये आ चुका है, देखिएगा आप देखिए सुबिना नाम से यहाँ पे आ चुका है, देखिए ओनली सॉन्ग म्यूजिक नाम से यहाँ पे जो मैंने भेज दिया था, इसको एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे आप मे भी मनी बचा, अब मैं इसको आसानी से यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको लॉग आउट करके,
तो देखिएगा दोस्तों, मैंने उषा रंजन खियांग नाम से फिर से वहीं पे लॉग इन हो चुका। आप देखेंगे वहाँ पे जो पेंडिंग था वो शायद अभी हट गया होगा। अब फिर से उसी पे एक बार जाते हैं हम। अब मैं फिर से एक वही इस पेज में जाता हूँ। मैं पेज में जाने के बाद आप फिर से सेटिंग में जाते हैं। तो देखिए सेटिंग में जाने का फिर से हम पेज रोल पे जाते हैं। वहाँ चेक वॉक नहीं, यहाँ देखते हैं जो पेंडिंग था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ दो मालिक हो चुके हैं। देखिए एडमिन यानी दो हो चुके हैं अभी यहाँ पे, है ना। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे सुबिन नाम का एडमिन, दो एडमिन। आप दोनों मतलब एक ही पेज को यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों वीडियो को बताएगा कॉमेंट्स करके। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह करके दिखाया, कैसे बनाया कि आप अपना जो फेसबुक का पेज जो है, अगर कोई प्रॉब्लम किसी कारण के वजह से कैसे ट्रांसफर किया जाए, बहुत ही आसान है दोस्तों, आसान तरीके से मैं करके दिखाया। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, पसंद भी आ गया। पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बना सुपर थे। पसंद है तो लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय।